हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी दिल्ली के ट्रेनिंग के बारे में। यस, मेरा जो है स्पेशल 4 डे का रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो है दिल्ली में आ रहा है। मैं खुद दिल्ली में आके आपको पढ़ाऊंगा। पूरे 4 डेज मैं आपको दिल्ली में आके पढ़ाऊंगा कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। तो अब आप अगर दिल्ली में हो या नियर बाय दिल्ली में हो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी मेरा रिसेंटली बहुत ही सक्सेसफुल बैच मेरा जो है कोलकाता में रहा, तो कोलकाता में बहुत सारे वहाँ पे स्टूडेंट आए थे और अभी मेरे को कॉल आ रहा है, सर आप नेक्स्ट टाइम कोलकाता कब आ रहे हो? बट मैंने बताया कि भाई अभी मेरा शेड्यूल अलग अलग है, तो अभी मैं दिल्ली में आ रहा हूँ, तो आप इसको मिस मत करना। तो यहाँ पे नीचे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ और नीचे मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूँ, जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके आपका सीट आप बुक करवा सकते हो। स्पेशली मैं आपको वहाँ पे स्पेशली सिखाऊंगा एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बायर कैसे फाइंड करना है, इंटरनेशनल मार्केट में बायर कैसे फाइंड करना है, और मेन है फ्रॉड से कैसे बचना है। आपको पता है बहुत सारा इंटरनेशनल बिजनेस में फ्रॉड हो रहा है, बट हमें कौन सी सिस्टम डेवलप करनी चाहिए जिससे हमारे साथ फ्रॉड ना हो, फ्रॉड से कैसे बचना है। और मैं जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ तो बहुत सारा चीज़ें मुझे सीखने को मिलती है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अगर बिजनेस करना है तो आपके पास स्किल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो। एंड स्पेशली जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात आती है तो वहाँ पे आपको चाहिए स्किल के साथ प्रोफेशनलिज्म भी चाहिए कि ये इंटरनेशनल बिजनेस कैसे होता है, इसके एटिकेट्स क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस के एटिकेट्स क्या है, उसमें लोगों से कैसे बात की जाती है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, ईमेल कैसे करना है, अगर कॉल भी करना है तो कैसे करना है, पूरा मैं आपको सिखाऊंगा। और डॉक्यूमेंट जो दूसरा है कि सर डॉक्यूमेंट बहुत सारे आते हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगती है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, कस्टम में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि कस्टम में गुड्स फंस जाता है, तो एक्चुअली कस्टम की क्या गाइडलाइन है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, ये पूरा मैं सब पूरा डिटेल में सिखाऊंगा। तो अगर आप प्रैक्टिकली लर्न करना चाहते हो तो आप मेरा जो ट्रेनिंग है वो अगस्त में आ रहा है, 8-11 अगस्त 2019। सो लेट्स मीट इन दिल्ली। आ रहा हूँ मैं, यस, दिल्ली में जो है लाइक NCR नोएडा में मेरा ट्रेनिंग रहेगा। मैं जो बहुत ही जल्द आपके साथ लोकेशन भी शेयर कर दूंगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लोकेशन भी आपको मैं दे दूंगा। तो NCR नोएडा दिल्ली में जो है मेरा ट्रेनिंग आ रहा है, तो आप NCR में रहते हो या दिल्ली में रहते हो या नियर बाय रहते हो तो आप मेरा जो ट्रेनिंग है ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मिल सकते हो, और आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है तो भी आप वहां पे आके मुझे पूछ सकते हो। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए और आपका सीट बुक कीजिए। यहाँ पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है, तो जो जल्दी बुक करवाएगा उसको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। हमारी जो प्रोग्राम है उसमें लिमिटेड सीट रहती है, तो आप अपना सीट जल्दी से बुक कर लीजिए। बाकी कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आ रहा हूँ मैं।